नमस्कार दोस्तों, जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप इससे आगे भी देख पाओगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीते ज्ञान राशि पर में। आज हम बात करने जा रहे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 23 अगस्त दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आकर चंपू राशि को बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय श्री राम लिखें, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, आज की तिथि एकादशी, आज का नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:54 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:53 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है दोपहर 2:34 से दोपहर 3:39 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 11:19 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है हल्का हरा और नारंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सोचने से पहले दो बार सोचें, अनजाने ही आपका नजरिया किसी की भावना को आहत कर सकता है। हालांकि धन आपकी मुट्ठी से आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपके अच्छे सितारे तंगी नहीं आने देंगे। अपने उपयोगिता की ताकत को सकारात्मक सोच और बातचीत के जरिए आप विकसित करें ताकि आपके परिवार के लोग को लाभ हो। अगर आप अपने प्रिय को पर्याप्त समय ना देते हों तो वह नाराज हो सकता है। वक्त के नजाकत को समझते हुए आज आप बस उन लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। उबाऊ होती हुई शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ रोमांचक ढूंढने की जरूरत है। सितारों की माने तो आज आप अपने दोस्तों के साथ एक बेहतरीन शाम गुजारने वाले हैं। बस इतना याद रखें कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती है। साथ ही साथ दोस्तों, पुरानी परियोजनाओं की सफलता आत्मविश्वास की वृद्धि करेगी। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। अपने बच्चों के लिए कुछ खास योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी योजनाएं यथार्थवादी हों और आने वाले पीढ़ी इस तोहफे के लिए आपको हमेशा याद रखेगी। ख्याली परेशानियों को छोड़ें और अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम कर सकते हैं। आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट हो सकता है। जब आपका जीवन साथी जब सारे मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर से आएगा तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों की अधिकता हो सकती है, मतलब आप किसी मंदिर भी जा सकते हैं, दान दक्षिणा भी आज संभव है। साथ ही साथ आपको बताएं आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और अचानक से आपके व्यापार में तरक्की का संकेत है। व्यवसाय अनुकूल चलेगा, वरिष्ठ व्यक्तियों से परिचित बढ़ेगा, उन्नति होगी। क्रोध व उत्तेजना पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ सकते हैं। खराब स्वास्थ्य से चिंतित रहेंगे। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको अपनी गतिविधियां और बढ़ानी पड़ेंगी। बहुत दिनों से रुके हुए कार्यों में पूर्ण होने से मन हर्षित होगा। IIT और MBA फील्ड के छात्रों के लिए कुछ नए जॉब के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। आज आपका आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा। अपने विश्वास के सहारे आपके संबंधों में मजबूती रहेगी। मेहनत के परिणाम आपको जल्दी मिलेंगे। इस राशि के महिलाओं को आज के दिन कोई खास खुशखबरी मिल सकती है। कैरियर के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज लोग आपके विचारों को सुनने के लिए बहुत उत्तेजनक रहेंगे। ब्राह्मण को कुछ दान करें, आपके काम में सफलता होगी। साथ ही साथ आपको बताएं आज आप उत्साह से भरपूर नजर आएंगे। माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद आपके भाग्य को और भी अधिक प्रबल करेगा। किसी बात को समझने में कंफ्यूज की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के संग
निजी पल व्यतीत करने पर आपका पार्टनर प्रेम की बरसात कर सकता है। लव पार्टनर आपको वो खुशियाँ प्रदान कर सकता है जिसकी आपको चाहत है। आज आर्थिक मामलों में सूझबूझ और सोच विचार करके आप जो भी करें वही अच्छा फैसला लें। आप पैसों को लेकर थोड़ा और जिम्मेदार बने। क्रॉकरी का व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा लाभ होगा। अपने काम में बदलाव संबंधी जो नीतियां बनाई हैं उनमें सफल होने के पूरे योग हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। बीती बातों को लेकर अगर आप चिंता और उलझन में हैं तो उसे मन से निकाल दीजिए और वर्तमान पर फोकस कीजिए। किसी का भला करने से पहले उसके सच को तो जान लें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज आपका जीवन साथी आपके साथ वक्त बिताने का इच्छुक हो सकता है। प्रेम जीवन बिता रहे लोग दिन को रोमांस के सारे आगे बढ़ा सकते हैं। आज आपकी वित्तीय स्थिति बहुत स्थिर है, इसे इस तरह बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। व्यापार व कारोबार में अचानक शुभ घटना घटित हो सकती है जिसकी आपने अपेक्षा भी ना की हो। आपको काम से संबंधित कोई दिलचस्प बात पता चल सकती है। नौकरी में बॉस या सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, धन संबंधी लेन देन को आप बहुत ध्यान से करें। विवाहित जीवन खुशनुमा रहेगा। पारिवारिक महत्वपूर्ण कार्य भी आपके मार्गदर्शन में संपन्न होगा। विवाह से संबंधित निर्णय अचानक से लिया जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को व्यक्ति की जब तक परख नहीं होगी तब तक आप आगे ना बढ़ें। साथ ही बिजनेस की बात करें, अभी समय अनुकूल नहीं है लेकिन कुछ सुधार अवश्य आएगा। अपने प्रति एक काम को गंभीरता से पूरा करने का प्रयास करें। नौकरी पेशा व्यक्ति को अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपके प्रेम जीवन के चलते घर का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा और प्रेम संबंधों में मर्यादित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है तथा आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपके जीवन साथी व बच्चों का पूरा सहयोग रहेगा जिससे आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा बना रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएं कि नजदीकी रिश्तेदार से मेल मिलाप या घूमने फिरने का आज प्लान बन सकता है जिससे घर परिवार में वातावरण खुशनुमा और सुखद बना रहेगा। साथ ही आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध काफी मधुर रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें। यदि आपको किसी प्रकार का पुराना दर्द या पुरानी बीमारी है तो आज आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और काम की अधिकता की वजह से आप थकान और महसूस करेंगे। इसलिए आपको आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।